एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है क्या होने वाला बता दो। नहीं पता। अरे मंदिर किसके जा रहे हैं? किसको? डुगु। तो सबको बोलो आज डुगु का मुंडन। और आज का डुगु क्या हो जाएगा? तो अब नादो के मुंह गए तैयार, मैं और नव्या तो तैयार है। हाँ, बस नव्या को लहंगा पहनने और बाकी लोग कर रहे हैं काम। तो मैं सबसे मिलवा देती हूँ जो सारे लोग रात में ऑलरेडी आ चुके हैं। एक्सपेक्टेशन तो थी कि काफी ज्यादा लोग आएंगे लेकिन सब लोग नहीं आ पाए, लेकिन जो आ गए मैं उनसे मिलवा देती हूँ क्योंकि सब अभी काम में बिजी। यहाँ पे ये है मेरी मौसियाँ, सारी मौसी। ये है मेरी छोटी भाभी की मम्मी, वो मेरी मम्मी। ये नव्या, नव्या है करो। हाँ हाँ, सास से भी करा देंगे बात। ये मेरी बुआ जो सारा काम कर रही है सुबह सुबह। और ये है मेरी भाभी की बहन, हाय मुस्कान। हेलो। और ये मेरी बड़ी भाभी, अरे हम वीडियो बना रहे बुआ। और ये मेरे भैया जिनको नहाने धोने का टाइम नहीं है। ये मेरी छोटी भाभी, सब भाग रहे। और कौन कहा गया? बाकी लोग हैं दूसरे घर में, तो उनसे मिलाएंगे आपको बाद में जब हम वहां जाएंगे। तो अब मैं जाती हूँ, सबकी थोड़ी बहुत हेल्प करती हूँ और फिर रेडी होके हम निकलेंगे बाहर पार्टी करने। कैसे? सुबह से जल्दी जल्दी करते करते भी, सारी तैयारियां करते करते भी 11 बज चुका है और अभी बस गाड़ियों में लोग एडजस्ट हो रहे हैं, कौन किस कार में जाएगा कैसे जाएगा। हम फाइनल कार का वेट कर रहे हैं, तो हम लास्ट कार से निकलेंगे ताकि सारे लोग अच्छे से कंफर्टेबली यहाँ से निकल जाए, उसके बाद हम अपना अरेंजमेंट करते हैं। तो अभी आपको पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ सुनाई दे रही होगी, वो इसीलिए है क्योंकि रियली अभी किसी को नहीं पता कौन कहाँ किस कार में बैठा है। बहुत क्योटिक है, एक बार मैं कार में बैठ जाऊँ फिर आपसे मिलती हूँ। हम लोग यहाँ खड़े होकर अपनी कार का वेट कर रहे हैं और अभी अभी हमें पता लगा है कि हमारी जो दो गाड़ियां पहले निकली उनमें से एक ऑलरेडी रास्ते में बंद हो चुकी है। तो अभी सॉर्ट आउट करते हैं कि क्या करना है। एक ड्राइवर थक चुके हैं और अब हमारे हैवी ड्राइवर आए भाभी। ये दोनों नए नए ड्राइवर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं और हम सारे पीछे कहाँ पर हम लोग सोच रहे बस पहुंच जाए भगवान का नाम लेके माता रानी के दरबार। क्यों मुस्कान, कितना कॉन्फिडेंस अपनी दीदी पे तुम्हें? डर लग रहा है मॉर्निंग। बिल्कुल बोलना चाहिए, बहुत अच्छा चला रहे हो आप। लोग लोगों को मिलेगा इसका मतलब हम लोग सही सलामत पहुंच गए। यहाँ हम पार कर रहे हैं गंगा नदी को। रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो सबकी एनर्जी तो डाउन हो ही गई थी, लेकिन मम्मी इस मुंडन में शामिल नहीं हो पाई थी क्योंकि उनकी बैक पेन बहुत ज़्यादा बड़ी थी और वो घर में रेस्ट कर रही थी। तो आधे घंटे ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद हम लोग बहुत मुश्किल से आगे तक पहुंचे और अब सबकी हालत खराब है, सबको आ रही नींद और हम लोग ले रहे हैं एनर्जी बूस्टर। इसलिए भी क्योंकि सामने हमारे रेलवे क्रॉसिंग है और वो बंद हो गए, तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। जल्दी लाओ कॉफी भैया, लेके प्रभु का नाम। मुस्कान तो सो भी चुकी है रास्ते में, एक दो नींद मारी है उसको, देखिए बोले बढ़िया वहाँ पे सब मुस्कान मुस्कान करेगा, सो ले रहे थे। इसको सब सुबह से काम के पास आके मौसी लोग पूरे पता नहीं क्या कर रही है। फाइनली पहुँच गए, अब मंदिर चलते हैं। डुगु के लिए जो कुर्ता आया था वो तो डुगु को आया नहीं है ना। अभी ये दूसरी टी शर्ट लाए थे वो पहन रहा है क्योंकि हमारे यहाँ बुआ जो कपड़े लाती है वो बच्चा पहनता है मुंडन में, तो आज ये टी शर्ट पहन गई, इसका मुंडन होगा। तो फाइनली दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं मुंडन के लिए। बहुत बहुत लंबी लाइन थी, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा केओस नहीं था, ठीक था। इतने सारे लोगों में सबको एक जगह इकट्ठा करना ही सबसे बड़ा काम है यहाँ पे। तो फाइनली सारे लोग आ जाए तो हम लोग मुंडन कराना शुरू करें।
और यहाँ देखिए, जैसे ही भैया ने डुगू को उठाया है, भाभी मुझे और संध्या को बुआ का नेक दे रही थी। और ये सारे लोग नेक मांगने के लिए कहाँ से आए आई डोंट नो, इतना लाउड बात कर रहे थे कि वो कुछ भी बोलने नहीं दे रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और पापा ने इस समय तक अपना टेंपर लूज कर दिया, हम बस यहाँ से निकल गए, कोई पिक वगैरह कुछ नहीं खिंचवाए। मुंडन हो गया पूरा, सारा फंक्शन अच्छे से हुआ, बस लास्ट में इतना ज्यादा डिमांड, इतना ज्यादा डिमांड। एक टाइम के बाद पापा ने अपना टेम्पर लूज कर दिया, बट ओवरऑल सारी चीजें अच्छी रही। आई थिंक छावरे के टाइम में या पैसे लेने के टाइम में सारे मंदिर में यही हाल होता है। डुगू इतना रो रहा था और थ्रू आउट मुंडन वो मोबाइल देख देख के रो रहा था। और अभी बाहर आती ही उसे कार वगैरह दिख गई है तो वो बिजी है वहां पर। तो अब यहाँ का सारा काम हो चुका है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं दोनों बुआ। अब यहाँ से अपना अपना लेके निकल रहे हैं, चावल लेके निकल रहे हैं, बाद में भाभी को लूटेंगे आराम से। थोड़ा मौसी बेचारी अभी साइलेंट पे, आज मौसी का काम नहीं है, आज बुआ का काम है। अभी बहुत लोग पैसा पैसा कर दिए नाव वगैरह, तो वो छोड़ देते हैं अकेले थोड़ी देर और घर पे जाके आराम से भाभी को लूटेंगे। अब देखते हैं कुछ पेट पूजा करने को मिलती है या नहीं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। मंदिर के कैंपस के आसपास जो है वो खाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, इवन हाईवे पर भी कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए हम सारे घर चले गए क्योंकि सर्दी हो रही थी। एंड ऑफ कोर्स घर में मम्मी भी हमारा वेट कर रहे थे। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा, सबने बहुत इंजॉय किया। इवन रास्ते में लौटते वक्त भी हम ट्रैफिक में तो फंसे, लेकिन हमने बहुत बहुत इंजॉय किया और घर आके सबने सोहर गीत गाने शुरू किए। ये तुम्हारा नया हेयर स्टाइल है क्या बाबू? नया हेयर स्टाइल है? तुम्हारे बाल कहाँ के बता दो। नहीं बता, बाल कहाँ के बता।
तो ये था हमारा आज का डुगू के मुंडन का व्लॉग, जिसमें हमने डुगू को टकलू करा दिया है ना। डुगू टकलू करा दिया ना, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है बता दो, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है वाले, लेकिन अब तो हो गए, अब क्या कर सकते, दोबारा आ जाएंगे बाल, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डुगू के मुंडन का व्लॉग, जिसमें हम गए थे विंध्याचल, एंड ऑफ कोर्स अब तक हम बहुत ज्यादा जो है वो थक गए, क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह पर ट्रैफिक मिल रहे थे, यू नो आधे आधे घंटे तक हम ट्रैफिक में फंसे रहे। हम घर से निकले थे सुबह 11:30 बजे और रात में अभी करीब 11:30 ही हो रहा है, और अब मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ। तो इट वॉज क्वाइट अ बिजी डे, बट ऑफ कोर्स सो मच फन। कैओस तो मेरे बैकग्राउंड में हमेशा की तरह चलता ही रहता है। कल घर में सुंदरकांड का पार्ट, तो हंसते हंसाते आज का व्लॉग करते हैं खत्म, और मिलती हूँ मैं आपको कल के व्लॉग में। सी यू, बाय बाय बाय।